यहाँ लोगों की सोच विचार जो है दूसरों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, मतलब बुरी सोच लोगों को ज्यादा प्रभावित करने लगी आज की डेट में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभावित तो अच्छी ही करती है, बुरी चीज त्रस्त करती है, उसको वो इजी है करना, बुरे काम करना आसान है, इसलिए लोग उसको कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिससे मैंने बोला जिससे आत्मा का विकास होता हो, अंदर से कुछ बढ़ती हो चीज़, उसको करना श्रेष्ठ है, वो करना अच्छा है, और उसको करने से कुछ सुकड़ता हो अंदर, उसे करना बुरा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जितनी चीज़ों को उदाहरण तुमने बताया, इन्हें करने वाला व्यक्ति ठीक है, इन्हें मना करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, ये प्रकृति की संरचना में बाधा है। आपने जब प्रकृति के ऐसे ऐसे जीवों को नष्ट किया तो आपके लिए प्रकृति ने ऐसा रोग दे दिया जिसके बारे में आपके पास कोई समाधान नहीं है। अब गिद्ध है, गिद्ध के एंजाइम में एक इस तरह का द्रव्य होता है कि वो जहां गिरता है वहीं पर एसिडिक क्वालिटी रखता है, और वो आदमी के ब्लड में जाए तो पूरे ब्लड में कैंसर भी पैदा होता है और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, और इम्यून सिस्टम को एकदम खत्म कर देता है। लेकिन जहाँ जब ये कोरोना और ये सब बीमारियाँ पैदा हुई हैं, उन्होंने तो भक्ष का अभक्ष और भक्ष का कोई मापदंड ही नहीं रखा है। अभक्ष का जब भी अतिरेक होगा तब महामारी आएगी। अभक्ष क्या है? जो खाने योग्य नहीं है। भक्ष क्या है? जो खाने योग्य है, जिसका भक्षण करें वो ठीक है, जिसका अभक्ष माने जिसका त्याज्य है, जिसको नहीं खाना चाहिए। तो ये एक बड़ी गहरी बात है। और मांसाहारी जानवर भी शाकाहारी जानवरों को पसंद करता है। शेर कभी लकड़बग्घे का शिकार नहीं करेगा, कभी भेड़िया का शिकार नहीं करेगा, कभी गीदड़ का शिकार नहीं करेगा, वो करेगा भेड़ का, बकरी का, हिरण का, गाय का, हाथी का। वो ऐसे जानवरों को तलाशता है जो विशुद्ध शाकाहारी हों। तो मांसाहारी जानवर भी शाकाहारी को खाता है, उसे पता है मांसाहारी में बीमारी है। तो ये जितनी चीजें आपने खाई, जो दुनिया के लोग खा रहे हैं, उससे बीमारी पैदा हुई है। और अभी मैं बता रहा था पहले कि अभी इस बीमारी के बारे में हमने जुलाई में भविष्यवाणी की थी, ये बहुत सारे शर्मा जी और सारे लोग उसमें शामिल थे, उसका वीडियो भी रखा हुआ है कि ऐसी अज्ञात बीमारी होगी जिससे लोग इस तरह से मरेंगे, जिसका इलाज समाधान नहीं होगा। और अभी ऐसी बीमारी भी आने वाली है 2-4 साल में कि शराब से इसी तरह का संक्रमण होगा जैसे मांसाहार से हुआ है। हम कहते कहते थक गए लोगों को, मीट मत खाओ, मीट मत खाओ, मीट मत खाओ। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लोग अब खा नहीं रहे। अब मैं कहूँ अब खाओ ना, तो नहीं 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 अब नहीं छुएंगे नहीं। मैंने कहा तुम खाओ, बोले नहीं अब तो मर जाएंगे। तो प्रकृति ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। आपने इतने जानवर चलिए, तोते, ये कुदरत ने अपने सजावट की चीज़ रखी है। अब आपके घर में कोई सजावट का सामान रखा है और आने वाला आदमी उसे उठा उठा के फूल रखे हैं, अब इन्हें उठा के कोई खाने लगे, ये अभक्ष है, तो उसके मालिक को खराब लगेगा ना। अब मालिक ने दुनिया में चिड़िया, परिंदे, पशु पक्षी ऐसे इसलिए बनाए कि उसकी दुनिया सुंदर हो सके और मनुष्य से उसकी मित्रता हो सके। आप उन्हें निपटाने में लग गए तो उसने आपको निपटाना शुरू कर दिया। फिर मालिक तो बैठा, उसको खराब लग रहा है। तो शराब से ऐसा रोग पैदा होगा, लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएंगे, क्योंकि इसकी अवधि पूरी हो गई। ये जो देवदारू, ये जो शराब बनी है, इसका टाइम पीरियड बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ऐसे मांसाहार का भी पूरा होने वाला है, और मांसाहार इन देशों के लिए है भी नहीं जहाँ अतिरेक हुआ है। तो सब्जियां उगती हैं, उनमें तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, मांसाहार मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ इसलिए कि वहाँ वनस्पति नहीं होती। अरब के जो देश हैं, वहाँ मोहम्मद साहब ने कहा कि मीट खा लो, इसलिए खा लो कि वहाँ गोभी 500 रुपये किलो है और बकरी 50 रुपये किलो है। ये बकरी बहुतायत में है, रेगिस्तान में है, ऊँट है, बहुत सारे जानवर हैं, कुछ है नहीं खाने के लिए, खा लो। लेकिन यहाँ जहाँ 300 प्रकार की सब्जियाँ और दालें हों, जहाँ 100 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हों, खाना अपने निजी एक बात है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमारे खाने पर ऐसा बोल रहे हो, पर ये उचित नहीं। 36 फीट की हमारी आंतें हैं, हमारा खाने को डाइजेस्ट होने में 3 गुना समय अधिक लगता है मांसाहारी जानवरों से। शेर की 12 फिट की है, इधर खाते हैं उधर फ्रेश हो जाते हैं, इधर खाया उधर फ्रेश हो गए, 3 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं। हमारे शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है वो। 36 फिट की हमारी आंत है, तो उसमें वो गैसेस पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, रोग पैदा होते हैं, स्किन एलर्जी पैदा होती है, तो धीरे धीरे हम रोगों का घर बना लेते हैं। मरा हुआ जानवर जो कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए, जब उसे अपने पेट में हम दफनाते हैं तो कब्रिस्तान बना लेते हैं अपने शरीर का। और हिरण्यवर्णाहरणिम स्वर्ण रजत सृजाम, जहाँ व्यक्ति मांसाहार व्यक्ति कभी धनाढ्य नहीं हो सकता। अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने इसलिए बने कि अंडा भी नहीं खाते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, कड़ी चावल का वाला आदमी था, रोज वीणा बजाते थे, गीता का पाठ करते थे, इतनी ऊंचाई तक गए।
आप एक ऊंचा उठ नहीं सकते हो। मांसाहार आपकी गति को कम करता है, आपको स्लो करता है, लेकिन बहुतायत से बढ़ा समाज में। तो परिस्थिति प्रकृति ने ऐसी पैदा की कभी अगर ये चल जाए चाहे 4-6 महीने तो वो KFC सब बंद हो जाएंगे। तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। अब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने एक वो भेजा कि उसमें कि पत्नी कह रही है कि मुझे शॉपिंग मॉल भी नहीं जाना है, अब मुझे अंडा मीट भी नहीं खाना है, मुझे रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाना है, अब मुझे किसी के घर भी नहीं जाना किटी पार्टी में, न किसी को अपने घर बुलाना है, और घर पे भी मास्क लगाए घूम रही। तो पति कह रहा है कोरोना देवता तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी हो गई, सब चीज़ों से मुक्त हो गया मैं, अब सबकी फरमाइशें ख़त्म हो गई। अभी फरमाइश नहीं रही पत्नी की कोई भी कि मुझे ये चाहिए, वहाँ जाना है, ये खाना है, कुछ नहीं रहा, घर में बैठी है और ऊपर से मास्क लगा लिया, बोल भी नहीं रही है, जो पहले सता रही थी बोल बोल के और चुप बैठी है। तो ये तो परिस्थिति है कि कैसे प्रकृति बैलेंस करती है। ऐसे वो केदारनाथ में हुआ था, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो हनीमून पॉइंट नहीं है, तो प्रकृति बैलेंस कर देती है, फिर वो जरा सा एक लट्टू घूमता है, हिसाब बराबर हो जाता है। अब जिन आप जब एक दड़बे से, दड़बा समझते हैं जिसमें किसी को बंद करके रखते हैं, वो एक पिंजरा सा होता है, उसमें मैं जब कभी सड़क से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें जो पक्षी हैं, चिड़िए या ये मुर्गा या ऐसी चीज़ें, वो बड़ी तड़फड़ाते रहते हैं। और जब कभी 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 मैंने ऐसे शॉट भी देखे डिस्कवरी में, बाकी जगह या कभी कभी समाज में भी, कि जब उसको आप उसके उससे बाहर निकालते हैं तो वो अपने जीवन के लिए फड़फड़ाता है। वो दृश्य अभी सेम मैंने रिपीट होता देखा कि कुछ लोग जो कोरोना से ग्रस्त हैं उनको उठाकर पकड़ करके लोग घसीट कर ले जा रहे हैं और गैस चैम्बर में डाल रहे हैं और उनमें आग लगाकर जला रहे हैं, मार रहे हैं उनको, शूट आउट गोली मार रहे हैं उनको, ख़त्म कर रहे हैं वो। तो ये तो आपको किक और कर्म का क्या सिद्धांत चाहिए? अभी सालू ने पूछा था ना, ये लौट के आ गया ना कर्म आपका, आपने जो किया वो आपके साथ हो रहा है, आप ऐसे घसीट के मार रहे थे। ऐसे वो लोग, एक व्यक्ति देखा मैंने, उसने पैर फैला लिए पूरे, हाथ अड़ा दिए दीवारों में और वो जाना नहीं चाहता है उस गैस चैम्बर में जहाँ उनको भस्मीभूत करना है, जहाँ उन्हें जला देना है। वो हज़ारों लोगों को, कितने लोगों को वो मार रहे हैं वो चाइना में, हाँ, उनको बंद करके आग लगा दिए गैस डाल करके। और एक गलती ये कर रहे हैं, वो आदमियों को तो मार ही रहे हैं जिनको कोरोना, उन पशु पक्षियों को और मार रहे हैं, इससे और काम खराब होगा अभी। तो ये जो है इस बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छी चीज़ का अगर ख्याल करेंगे तो वो ठीक होगी। और कभी भी मांसाहार लोग करते हैं, कभी उनको अच्छा नहीं लगता है, करते हैं बस, एक आदत समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये लोगों की गलत धारणा है, कुछ अंदर कचोटता है। जैसे शराब पीकर आप देखो ना, पहली बार जब आदमी शराब कुछ पीता है, मैंने देखा वो अजीब से मुंह बनाते हैं कड़वा, मतलब जैसे उनको कुछ खराब लगता है। अरे इतनी खराब लग रहा है तो क्यों ऐसा उल्टा सीधा मुंह बना रहे हो, पियो मत, मतलब इसमें कुछ कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको अप्रिय लग रही है तो फिर उसको इंटेक मत करो। तो वो उसकी प्रकृति बता रही है कि ये त्याज्य है, आप इसको पियो मत, और आप पी रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर नुकसान कर रही है। तो उसकी, और जब आप दूध पीने के बाद आदमी कभी आपको ऐसा मुंह बनाता हुआ नहीं मिलेगा। दूध पीने के बाद, रबड़ी खाने के बाद, लस्सी पीने के बाद, मट्ठा पीने के बाद, छाछ के बाद, किसी अच्छे शरबत के बाद, किसी बढ़िया चीज़ के बाद कभी मुँह नहीं बनाएगा। शराब पी के मुँह बनाता है आदमी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है उसको, उसकी प्रकृति शरीर यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर आप उसे खा रहे हो या पी रहे हो। तो कोई आदमी जब एक दूध पीता है, एक गिलास दूध पीता है, वो 5 या 10 साल बाद 10 गिलास दूध नहीं पीता, लेकिन जो आदमी 10-20 ग्राम शराब पीता है वो धीरे धीरे पूरी बोतल पीने लगता है, या वो पता नहीं पाव भर पी जाता है कुछ ऐसे, 100 ग्राम पी लेगा। पर दूध कभी ऐसा नहीं होता कि एक गिलास से शुरू किया और आज 20 गिलास पी रहा होगा शाम को, वो एक पैक से शुरू करके आदमी पता नहीं कितने पैक में पहुंच जाता है। तो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, उसकी मात्रा कभी कम नहीं होती, वो विस्तार लेती है। एनीथिंग एल्स? ओके।